नमस्कार आदाब, आइए रूबरू कराते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे अहम खबरों से। बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी है, अब जल्द से ही स्कूल खुल जाएंगे। 16 तारीख यानी कि आज 16 अगस्त से 9th और 10th तथा इंटर की क्लासेस शुरू हो गई हैं 50% के साथ। आज स्कूल में छात्र गए, लेकिन सबसे बड़ी खुशी है कि 23 अगस्त के बाद अब बच्चे जाएंगे जिनमें कि 6ठी और 8वीं के बच्चे होंगे, और कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों को भी अब 1 सितंबर के बाद स्कूल जाना पड़ेगा, ऐसी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। हम आपको बता दें कि लगातार 4 माह के बाद स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। इससे पूर्व भी कोरोना के वजह से गाइडलाइन के तहत ही स्कूल कॉलेज खोले थे, लेकिन बंद कर दिए गए। और आज 16 अगस्त को कॉलेज खुलने के बाद 23 के बाद कक्षा 8 तक के स्कूल तथा उसके बाद 1 सितंबर से लगातार छोटे बच्चों की क्लासेस चलने का उम्मीद बनी है। सैनिटाइजेशन के साथ कार्य होगा, मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग भी बनानी होगी। लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां भी स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानमंडल के सामने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और विगत दिवस लगातार कार्यक्रम चलते रहे। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को नमन किया और उन्होंने आह्वान किया है कि अपनी एकता सौहार्द के लिए तथा सैनिकों के सम्मान के लिए तथा उनके आदर्शों पर चलने का प्रण लें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वाधीनता आंदोलन की निर्णायक लड़ाई लड़ी गई थी और इस स्वतंत्रता को बरकरार रखा जाए। स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन भी पहुंचे और राखी लेकर पहुंचे। उन्होंने महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को राखी दी, राखी बंधवाई उनसे, और इसके साथ साथ ही यहाँ पर स्कूली छात्राओं ने योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को राखी बांधी, स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। दूसरी ओर लोक आयुक्त भवन पर भी एस के यादव उप लोक आयुक्त द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और यहाँ पर सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर एस के यादव जो कि उप लोकायुक्त हैं, उन्होंने कहा है कि देश के महान सपूतों ने अपनी जान देकर हमें आज़ादी दिलाई है, उसको बरकरार रखना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि यह दिन हमें राष्ट्रीय गौरव की और आत्मसम्मान की अनुभूति प्रदान करता है। स्वतंत्रता दिवस हमारे गौरव का प्रतीक है। इस मौके पर सचिव अनिल कुमार सिंह तथा संयुक्त सचिव राजेश कुमार भी सहित काफी अधिकारी कर्मचारी यहां पर मौजूद रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरवाल निर्वाल की ओर से समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जितेंद्र तोमर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा भी समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं खतौली विधानसभा के विधायक विक्रम सिंह सैनी ने भी स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। नगर पंचायत पुरकाजी को हर हाल में आदर्श बनाने की कवायद में लगे रहने वाले जहीर फारूकी एडवोकेट चेयरमैन तथा मनोज कुमार अधिशासी अधिकारी की ओर से भी राष्ट्रीय पर्व पर नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी ओर एमयू सिटी स्कूल अलीगढ़ के अंदर भी राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्कूल बंद होने के बावजूद छात्रों को ऑनलाइन जोड़ा गया और यहां पर प्रिंसिपल सैयद तनवीर ने भी वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर फैयाजुद्दीन और अफसर खान तथा मोहम्मद इकबाल ने यहाँ पर अपने विचार व्यक्त किए, देश के राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रकाश डाला। वहीं पर गियर सोसाइटी अलीगढ़ की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए डॉक्टर मोहम्मद फैयाजुद्दीन ने कहा कि हमें अपनी एकता और सौहार्द बरकरार रखना है। वहीं CHC जानसठ की वरिष्ठ महिला रोग विशेषज्ञ तथा हर हाल में कोरोना काल में भी मरीजों की देखभाल करने वाली डॉक्टर सुषमा शर्मा की ओर से भी हार्दिक शुभकामनाएं। जिला बार संघ मुजफ्फरनगर के महासचिव अरुण शर्मा तथा अध्यक्ष कलीराम की ओर से समस्त जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ब्लॉक जानसठ के ब्लॉक प्रमुख चौधरी नरेंद्र तोमर की ओर से भी समस्त क्षेत्र वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए एकता और सौहार्द कायम करें।
भारतीय स्टेट बैंक शाखा के प्रबंधक रमन कांत की ओर से भी समस्त नगरवासियों को बैंक ग्राहकों को हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत कवाल के ग्राम प्रधान मोहम्मद इस्लाम कुरैशी की ओर से भी समस्त ग्राम वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गोमती कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य श्रीमती ज्योति बाला की ओर से भी समस्त छात्र छात्राओं तथा अभिभावकों को हार्दिक शुभकामनाएं। मायरा मोटर्स निकट तालड़ा मोड़ जामसठ के संचालक दानिश खान की ओर से भी स्वतंत्रता दिवस की समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत खलवाड़ा निवासी समाज सेवी मोहम्मद इरशाद की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंद आरओ वाटर प्यूरिफायर लगवाए। सस्ते और आकर्षक तथा पॉश कॉलोनी में प्लॉट खरीदने के लिए अवश्य आए अश्वनी शर्मा प्रोप्राइटर क्लाम एंड क्लव जानसन। क्षेत्रवासियों को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्व बालियान के पूर्व ग्राम प्रधान मोहम्मद यूसुफ खान की ओर से। वहीं भाकियों के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व नगर अध्यक्ष हाजी मोहम्मद कामिल मलिक द्वारा भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।